नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको लेकर आए हैं वीडियो का जो टॉपिक है FCI फिजिकल टेस्ट। यानी यह वीडियो जो है उन छात्रों के लिए हैं जो FCI के एग्ज़ाम में जो है रिटर्न एग्ज़ाम जो हुआ था 30 सितंबर को, उसमें जो है सक्सेस हुए हैं या सफल हुए हैं उनके लिए वीडियो है। और देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आप जिस लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, कैसे आपको रिजल्ट देखना है FCI के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपको जो देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्पष्ट, www.fciupjobs.com पर जो है गूगल में जाकर आपको सर्च करना है। गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस लखनऊ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद जो है यहाँ पर देखिए, आपको पंजीकरण संख्या, पासवर्ड या जो है जन्मतिथि आपको डालना है। यहाँ पर देखिए एक कैप्चा कोड, इसको रिफ्रेश करेंगे तो कैप्चा कोड आ जाएगा। कैप्चा कोड के लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो है जो मेन मुद्दा आपको बता रहे हैं कि फिजिकल, जे FCI का फिजिकल में क्या क्या करना है, आपको कितना टाइमिंग है, चलिए आपको ले सकते। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ से बैक जाइए। बैक जाने के बाद यहाँ देखिए दिया है मुख्य पृष्ठ डाउनलोड। यहाँ पर लॉगिन किए थे आप तो इसको नहीं करना है। अब यहाँ पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक, डाउनलोड वाले ऑप्शन को जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करिए तो यहाँ पर आ गया विवरण का, ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे करें या प्रमाण पत्र प्रारूप। तो इसका ऊपर वाला जो है विवरण का पर यानी एडवर्टीजमेंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, चूज कर दिए एक्शन ड्राइव PDF में। देखिए PDF फाइल जो है अब डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये 12 पृष्ठ का है। इससे पहले भी वीडियो बनाया था, आपको इसमें बता दिए थे आपको हम ये जो है प्रोजेक्ट जो है क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ पर हमको जो है मेन आपको लेकर चलना है इसमें फिजिकल के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 408 पद थे UPFCI में। तो यहाँ पर आपको मेन जो चलना है ये तीसरे पृष्ठ पर है। देखिए एक पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ है, इसके बाद ये तीसरा पृष्ठ है। तीसरा पृष्ठ में जो है इसमें नहीं दिया, देखिए अगले ये चौथा पृष्ठ में होगा। यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर स्पष्ट दिया है, देखिए नीचे दिया है यहाँ पर पैटर्न ऑफ फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट क्वालिफाई नेचर। ये केवल क्वालिफाइंग है, यहाँ पर समय नहीं प्रतिबंधित है, इसका नंबर जुड़ेगा नहीं कि मेन एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर सब लिख रहा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट विच विल बी ऑफ क्वालिफाइड नेचर ओनली, द क्रिटेरिया विल बी एज फॉलोज। अब देखिए इसका क्या क्या क्रिटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है यहाँ पर जो है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है मेल कैंडिडेट फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी पुरुष के लिए पहले देख लीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया है 1000 मीटर रेस 5 मिनट में आपको दौड़ना है, वो भी वन चांस। यहाँ पर देखिए लिखा है वन चांस में एक बार आपको मिलेगा 1000 मीटर दौड़ने के लिए और 5 मिनट में उसको दौड़ना है तो आप जो है क्वालिफाई मान जाएंगे। दूसरा है लॉन्ग जंप, जिसको लंबी दौड़ कहते हैं, यह जो है 3.2 मीटर इन 3 चांस, यानी 3 चांस में जो है आपको यहाँ पर देखिए लॉन्ग जंप में दूसरा 3.2 मीटर
इन तीन चांस, 3 बार आपको दिया जाएगा मौका। अगर 3.2 मीटर आप लंबी कूद या लॉन्ग जंप दौड़ लेते हैं या कूद लेते हैं तो आपको जो है क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है हाई जंप, यानी ऊंची कूद जिसको कहते हैं, 1.1 मीटर 3 चांस, ये भी 3 चांस है। अगर 3 बार में आप जो है 1.1 मीटर जो है लॉन्ग जंप या ऊंची कूद कूद लेते हैं तो आप क्वालिफाई मानेंगे। इसका देखिए नंबर जुड़ना नहीं है, यह जो है बस क्वालिफाइंग मार्क है फिजिकल के लिए। मेरे तो आपके जो है जो बनी है रिटर्न की एग्जाम उसी पर बननी है। अब देखिए इसमें जो है फीमेल कंडीशन के लिए क्या है, फॉर फीमेल, महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए जो यहाँ पर देखिए पुरुष का जो है 1000 मीटर है तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 800 मीटर दौड़ना है, वो भी कितने 5 मिनट में, और इनका भी 1 चांस है। देखिए इनका भी 1 चांस है लेकिन 5 मिनट, और इनकी दूरी 200 मीटर पुरुष की अपेक्षा कम हो गई है। अब देखिए इसके बाद जो है दूसरा नंबर है महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, इसमें 2.5 मीटर, ये भी कम है पुरुष की अपेक्षा, पुरुष में 3.2 मीटर था, और इनको भी 3 चांस मिलेगा। 3 चांस में 2.5 मीटर जो है लंबी कूद कूदना अनिवार्य है, तब जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। अगला देखिए तीसरा, इसमें हाई जंप यानी ऊंची कूद, ऊंची कूद जो है इसमें देखिए पुरुष में 1.1 मीटर है, इसमें जो है 0.7 मीटर है, वो भी 3 चांस में, ये भी 3 चांस है और ये भी क्वालिफाई मार्क है। यहाँ देखिए नीचे कुछ नोट्स दिया है इसमें, FCI रिजर्व द राइट ऑफ इंट्रोडक्शन एडिशनल फेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट इन कंप्लीट सबमिटर्स ऑफ स्क्रीनड कैंडिडेट ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड डिस्कशन रिगार्डिंग कॉलिंग सच नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिसाइडेड बाई FCI ओनली। यह जो है आपके लिए महिला और पुरुष और महिला का जो फिजिकल का जो है ये लिस्ट है इतने में है, इसलिए आप लोग जो है दौड़ने का तैयारी शुरू कर दीजिए, जो सक्सेस हैं जो पास हैं, ताकि एक चांस आपको मिलेगा। दौड़ सबसे कठिन दौड़ ही है, एक चांस मिलना है बस। इसके अलावा लॉन्ग जंप हाई जंप में 3 चांस मिलेगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और एक चांस में नहीं हुआ तो दूसरे चांस में कोशिश करेंगे, तीसरे चांस में कोशिश करें, तीसरे चांस में हो भी जाता है, ऐसा कई बार देखने में आया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं अगर FCI के एग्ज़ाम में जो है पास हुए हैं वो फिजिकल के लिए आए हैं तो उनके लिए जानकारी मिल सके कि कितना है आपको जो है दौड़ना है, कितना लंबी कूद है, कितना हाई जंप है, और उसके अनुसार आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिस फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल जीके अर्जुन सर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, यह बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूले, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।